हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ साबुत चौले की सब्जी। कहीं कहीं पे इसे लोबिया या रोंगी भी कहा जाता है। राजस्थान में इसे चौला ही कहा जाता है। बड़ा टेस्टी होता है और बाकी सभी दालों की तरह ये भी बहुत हेल्दी है। और कुछ कुछ ये राजमे की तरह होता है, लेकिन टेस्ट इसका राजमे से थोड़ा डिफरेंट है। सर्दी या गर्मी आप कभी भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही स्वाद बनती है इसकी सब्जी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए यहाँ मैंने एक कप चौला या लोबिया ले लिया है। ये देखिए, इसे ब्लैक आई पीस भी बोलते हैं। तो पहले इसे अच्छे से धो करके भिगो देते हैं 6-7 घंटे के लिए। ये देखिए, मैंने रात को ही भिगो दिया था और आप देख सकते हैं ये फूल कर मोटे हो गए हैं और अच्छे से टूट रहे हैं। साइज में आप देख सकते हैं कितने फूल गए हैं ये। इसे और भी सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब सारे लोबिया मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिना कुक के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा सॉफ्ट जाते हैं। अब इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ मैं, जितना हमने चौला लिया था उसका डबल। चलिए इसे गैस पे रख देते हैं और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और साथ में मैं डालूंगी इसमें 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा हो जाएगा, थोड़ा येलोइश हो जाएंगे। वाइट वाइट है तो सब्जी का कलर थोड़ा अच्छा आएगा। अब इसे मैं बंद नहीं करूंगी, इसके लिड नहीं लगाऊंगी। पहले हम इसे ऐसे ही बॉईल होने देते हैं। देखिए, बॉईल होने पर कितनी झाग आ गए हैं ऊपर, इसीलिए मैंने लिड नहीं लगाया था। पहले इसे हटा देते हैं हम। आप जब भी कोई दाल बनाएं तो पहले झाग जरूर हटाएं उसके। ये हमें नुकसान करते हैं, इसी की वजह से हमारे घुटनों में और पैरों में दर्द रहता है। चलिए अब मैं लिड लगा देती हूँ और अब मीडियम फ्लेम कर दी है मैंने इसकी और 3 सीटी लगाऊंगी मैं इसकी। देखिए, 3 सीटी लग चुकी है, प्रेशर निकल गया है इसका। चलिए लिड हटा देते हैं। देखिए, सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल और कलर भी थोड़ा येलोइश हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं। चलिए इसे अलग से एक बोल में निकाल लेते हैं। यहाँ मैं इसलिए अलग से निकाल रही हूँ क्योंकि हम इन्हें थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि सब्जी थोड़ी घुटी घुटी सी लगे। ऐसा नहीं हो कि पानी अलग हो रहा है और लोबिया अलग अलग हो रहे हैं, दाने अलग अलग दिख रहे हैं। इस तरह से मैश करने से सब्जी थोड़ी सी लिपटवासी हो जाती है। जैसे हम कभी छोले बनाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा मैश करते हैं। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने देते हैं पहले। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा चटकने पे डालेंगे इसमें 2 तेज पत्ते। साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, काली इलायची, दालचीनी और हरी इलायची। साथ ही लौंग और काली मिर्च भी ली है मैंने, लेकिन पहले दालचीनी और इलायची को डाल देते हैं। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में और लौंग और काली मिर्च को हम कूट करके बाद में डालेंगे। आप वीडियो देखते रहिए आखिर तक। देखिए, जीरा चटकने लगा है। इस तरह खड़े गरम मसाले डालने से सब्जी में सिर्फ इनका फ्लेवर आता है, सब्जी तीखी नहीं होती है। वरना ज़्यादा तीखी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलने देंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, सिर्फ गोल्डन ब्राउन ही करेंगे। अच्छा मीठापन जो आता है सब्जी में वो अच्छा लगता है। ये देखिए, प्याज भुन चुके हैं और अब इसी स्टेज में यहाँ डालूंगी मैं अदरक लहसुन, जो मैंने कूट लिए हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। 1 चम्मच भर के डालेंगे। इन्हें भी भून लेते हैं हम प्याज के साथ। 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूलेंगे।
ये देखिए दोनों प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है और अदरक लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ डालेंगे मसाले। एक चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये तीखी नहीं होती है ज़्यादा, सिर्फ कलर अच्छा आता है सब्जी का इससे। और एक चौथाई चम्मच डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर है ये। और एक चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। अब पहले इन्हें हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, मसाले जल जाएंगे। फ्लेम इस वक्त आप लो ही रखिएगा, मैंने लो ही रखी है। बस देखिए इतना ही भूनेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। यहाँ 3 टमाटर लिए हैं मैंने और उनको मैंने पीसा नहीं है, मतलब मिक्सी में पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने चॉपर में डाल करके इनको सिर्फ बारीक चॉप किया है। इस तरह से टमाटर अच्छे लगते हैं देखने में सब्जी में। अब इन्हें पहले हम पकने देंगे। टमाटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसके लिए हम डाल देते हैं इसमें नमक, उससे ये जल्दी पकेंगे। यहाँ मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि हमने पहले भी लोबिया उबालते वक्त उसमें नमक डाला था 1/2 चम्मच, तो नमक ज़रा ध्यान से ही डालें इसमें। अब टमाटर को हम पकने देते हैं और इसे ढक देंगे। ये देखिए करीब 1 मिनट हो चुका है और इस वक्त मैं डालूंगी यहाँ थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच पानी ही डालेंगे ताकि मसाले और फूल जाएं और अच्छे से पक जाएं। मसाले को आप जितना भूनेंगे अच्छा, उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ हम इसको फिर से ढक देंगे और जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाला, इसको पकाएंगे। देखिए 1 मिनट फिर से हो चुका है और मसाले ने, आप देखो, तेल छोड़ दिया है मसाले ने चारों तरफ। ये देखिए बस इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ मैंने जो लौंग और काली मिर्च लिए थे उनको मोटा मोटा कूट लिया है और वो डाल दूंगी मैं। इस वक्त डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जो लौंग की खुशबू आती है मसाले में बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही में डाल दूंगी मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया इस स्टेज पे मसाले में डालने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आखिर में तो खैर डालना ही चाहिए, लेकिन मसाला भूनते वक्त भी धनिया डालने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच डाला है मैंने। इससे भी अच्छी खुशबू आएगी। इसे भी भून लेते हैं थोड़ा सा हम। अब बिना ढके ही मैं इसे यहाँ पका रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 1/2 मिनट पकाएंगे खाली। ये देखिए मसाला पक चुका है और इस वक्त हम डाल देंगे हमारे चौले, जो उबले हुए चौले थे। देखिए सारा पानी सोख कर लिया है इतनी देर में जब तक मैंने मसाला भूना है। ये थोड़ी देर में काफ़ी पानी सोख लेते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे मसाले में। आप देख रहे हैं काफी गाढ़े हो चुके हैं ये, तो हमें इसमें पानी डालना होगा। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला है, गर्म पानी डाल रही हूँ मैं, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। कभी भी बनती हुई सब्जी में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, उसकी कुकिंग प्रोसेसिंग जो है वो रुक जाती है और सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है, इसलिए हमेशा गर्म पानी ही डालना चाहिए। देखिए अब कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है मुझे इसकी, और पानी नहीं डालेंगे और ढककर पका लेंगे करीब 2 मिनट के लिए। देख 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की और सब्जी देखिए बनकर तैयार है। लेकिन अभी हमें कुछ बाकी है डालना इसमें। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है सब्जी हमारी। तो इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच गरम मसाला, सिर्फ 2 पिंच ही डालेंगे क्योंकि हमने खड़े गरम मसाले भी डाले हैं। साथ में कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं स्लाइस की हुई, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला था, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डाला था जो तीखा नहीं होता है।
ज़्यादा तीखी नहीं बनाई है मैंने सब्जी। इस हरी मिर्च को हटाया भी जा सकता है बाद में, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा तीखा ना खाना पसंद करे तो वो इसे बाहर निकाल सकता है। अब थोड़ी देर मैं इसे खुला ही पकाऊंगी ताकि सब्जी अच्छी तरह से घुट जाए और लिपटवासी सब्जी हो जाए, तो फिर हम इसे सर्व करते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म सर्व करिए। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पूड़ी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। देखिए है ना मज़ेदार। राजस्थान में तो इसे पूड़ी के साथ सर्व किया जाता है, शादियों वगैरह में बनती है अच्छा गरम मसाला डाल के, लेकिन मैंने आज कम तीखा बनाया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।